हे व्हाट्स अप, वेलकम बैक माय न्यू एंड अदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे अन्य अच्छे होगी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास यहाँ पे जियो का सिम है और आप यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन यूज करते हो और आपके फ़ोन में यहाँ पे इंटरनेट या नेटवर्क या गाइस आपकी नेटवर्क स्लो चलता है, आपके फ़ोन में यहाँ पे 5G का नेटवर्क नहीं आता और यहाँ पे अपने फ़ोन में 5G का नेटवर्क यूज करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको भाई कंप्लीट बताएगा। वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो आपको अच्छी लगी भाई को जरूर सपोर्ट करना, ठीक है? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट है। सभी 5G फोनों में ये ट्रिक वर्क करेगी। गाइस देखो, सबसे पहले आपको क्या होगा, आपको जाना अपने फोन की सेटिंग में, ठीक? आप नॉर्मल अपने फोन की सेटिंग में चले जाओगे, बहुत अच्छी बात है। यहां आने के बाद इस तरीके का आपको यहां पे इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है? देखो, आपका फोन अगर यहां पे 4G पे अपडेट होगा तो आपका फोन 4G ही पकड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कनेक्शंस के, ठीक है? अगर आप यहां पे कनेक्शन पे क्लिक करते हैं, कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब आप लोग ये बोलोगे, भाई ये कनेक्शंस वाली सेटिंग तो हमने पूरी कर ली, बट हमारे फोन में फिर भी 3G या 4G का ही नेटवर्क आता है, 5G का नहीं आता। तो गाइस, आपको मैं आपको कॉमन सेटिंग बताऊंगा, वो गाइस आपको अपने फोन में करनी होगी, ठीक है? अब गाइस, आपको हमें मिलेगा मोबाइल नेटवर्क, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है मोबाइल नेटवर्क, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरीके का गाइस यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वाले बोर्ड पे जस्ट क्लिक करना है। देखो, आपको सबसे ऊपर 5G का एक ऑप्शन दिखेगा और गाइस ये मेरी जियो की सिम है, ठीक है? जैसे मैं इसे 5G पे क्लिक करके जस्ट ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। अब गाइस देखो, मेरे फोन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ना गाइस, वहाँ पे 5G का नेटवर्क आता ही नहीं है। कभी कभार यहाँ पे गाइस 5G का नेटवर्क आ भी जाता है डिपर मारने, बट वो हल्के हल्के चला जाता है, तो ठीक है, 5G का नेटवर्क मेरा अच्छे से नहीं आता। अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते हो और आपने 5G वाला मोड सेलेक्ट कर लिया, तो आपके फोन में 100% 5G का ही नेटवर्क आएगा, ठीक है? ये करने के बाद अगर आप बोलो, भाई हमारे यहाँ मेरा जो दोस्त का फोन है ना, वो भी सेम फोन है और गाइस मेरे फोन में फिर भी यहाँ पे 5G का नहीं आता, मेरे दोस्त के में 5G का आता है, उसके में फ्री इंटरनेट भी वो यूज करता है, बट मैं फ्री इंटरनेट यूज भी नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए आपको करना होगा। देखो, यहाँ से आपको संपर्क से बैक होना, ठीक है? पूरा बैक होना है। अगर आपके दोस्त के में 5G नेटवर्क वहाँ पे आता है, उसी सिम का, जैसे आप भी एयरटेल यूज करते हो या वो भी जियो यूज करता है बंदा, और आप भी जियो यूज करते हो, बट आपके फोन में 5G का नेटवर्क नहीं आ रहा, उसके बंदे के में आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, सेटिंग आपको ये कर लेनी है, 5G वाला मोड आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, देखो अगर आपके फोन में कोई अपडेट आ रखा होगा तो ऊपर ही शो हो जाएगा, ठीक है? सबसे ऊपर अगर अपडेट आपको शो नहीं होता, गाइस आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना, कोई सा भी फोन होगा, आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्लिक देना, सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है? जैसे सॉफ्टवेयर अब लिखोगे ना यहाँ पे, तो गाइस आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, आपको जैसे इस पर क्लिक कर देना, ठीक है? जैसे इस पर आप गाइस क्लिक करोगे यहाँ पे, इस तरीके से क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस गाइस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर सैमसंग का तो सैम सेटिंग आएंगे, और कोई अदर कंपनी है तो थोड़ी अलग सेटिंग हो सकती है, ठीक? अब गाइस आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल यहाँ पर क्लिक करना है। अगर गाइस आपके फोन में यहाँ पे इस तरीके का अपडेट आ रखा है भाई, तो पहले इसको अपडेट करो, अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे 5G सेलेक्ट करना, फिर गाइस आपके फोन में अच्छे से वर्क करेगा आपका फोन, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? जब तक इसको लेटेस्ट वर्जन में इस फोन को नहीं लेके जाओगे, इसको अपडेट नहीं करोगे, देखो मेरे फोन में अपडेट आ रखा है, गाइस 2100 MB का गाइस यहाँ पे अपडेट है। अगर जैसे इसमें डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, अब गाइस देखो यहाँ पर डाउनलोड की यहाँ पे टाइम बताएगा थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा स्लो है। अगर गाइस जितना टाइम गाइस यहाँ पर लगेगा, ये पूरी लाइन का यहाँ पे आपको दिख रही है, ये लाइन कंप्लीट होगी, ये लाइन कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पर डाउनलोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? जब तक इसको नहीं करोगे, फिलहाल में नेट नहीं है, थोड़ा इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, पहले आपको ये कंप्लीट सेटिंग करनी होगी और आपका फोन यहाँ पर अच्छे से वर्क करने लग जाएगा।